कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉपर्स इन द नीट यूजी एग्जाम, बहुत बहुत बधाई हो आपको नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए, सफलता पाने के लिए। बट यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, असफलता कहकर सफलता जरूर मिलती है, कोशिश आप करते रहिए। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, बट मैं पीएमटी, राजस्थान पीएमटी की टॉपर रही हूँ इन 1999। सो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि हाउ टू क्रैक दिस नीट यूजी एग्जाम, ताकि आप अगले साल आपका नाम भी टॉपर लिस्ट में आ सके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या सफलता पाने के लिए उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ यदि आप पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और आप उस चीज को एग्जाम ओरिएंटेड या पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सफलता के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो जो नीट यूजी का एग्जाम पैटर्न है वो एमसीक्यू पैटर्न है। तो एमसीक्यू पैटर्न में आपको पूरे सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं होती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप हमेशा उसमें से जो टू द पॉइंट वाली बात है, जैसे कि कोई वेजिटेबल का नाम है और उसके फैमिली का नाम है, या जो भी आपसे पूछा जाता है, तो वो टू द पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 5 से 10 साल के अंदर पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, और जो पिछले 5 साल के या 10 साल के पेपर है वो आपको टिप्स पे आने चाहिए। यानी कि यदि आपके पिछले 10 साल के पेपर आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, इतनी बार रिवीजन कर लिया है कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि आपको नीट यूजी का टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डेली बेसिस पर अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो एग्जाम का स्ट्रेस है उसको बियर करने के लिए तैयार हो। क्योंकि हम पढ़ाई बहुत कर लेते हैं लेकिन अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाते, अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाते कि जो एग्जाम का स्ट्रेस है उस टाइम पे वो सही डिसीजन लेकर सही ऑप्शन या सही आंसर हम टेक कर सके। क्योंकि जब भी अगर आप अपने आंसर शीट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपने टिक करने के हिसाब से गलत कर दिए हैं। यानी कि आपने आंसर सही आता था, जैसे कि एबीसीडी में से आपको बी लगाना था, गलती से आपने इसमें सी लगा दिया या डी लगा दिया, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरीके की गलतियां तब होती है कि जब हम एग्जाम के स्ट्रेस में होते हैं या हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर चल रहा होता है कि हमारा एग्जाम पेपर खत्म होने वाला है या टाइम खत्म होने वाला और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल में कम से कम रोज एक पेपर सॉल्व करना जरूरी है, और वो सॉल्व करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बंद कमरे में बिल्कुल एग्जाम का माहौल क्रिएट करके, बिल्कुल एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपने स्टॉप वॉच चालू करी, आपके सामने एक साल का पेपर रखा है जिसमें कि आपके 300 क्वेश्चन हैं और वो 300 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर पूरे करने हैं। तो इस हिसाब से आपको अपने टाइम की कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है कि यदि आपको 3 घंटे के अंदर 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 1 घंटे में सिर्फ 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट के हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं पड़ रहा है, आपको अराउंड 40 सेकंड मिलते हैं। अब 40 सेकंड में आपको वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसके ऑप्शन भी पढ़ने, फिर डिसीजन भी लेना, उसको मार्क भी करना, और आपको उसको आंसर शीट में भरना भी है। ये सारा काम आपको 40 सेकंड में करने के लिए आपका दिमाग इतना ज्यादा शार्प, इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है। यदि आप ये डेली बेसिस पे रोज करते हैं तो पूरे 365 दिन के अंदर आप 365 बार पेपर सॉल्व करेंगे। 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने आप में तो 365 दिन के अंदर आप 365% यानी 365% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दैट इज कमेंडेबल जॉब। तो आप यदि इतना भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन टॉपर लिस्ट में आने से या आपका नाम टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये अश्योर्ड टेक्निक है, टेस्टेड टेक्निक है, और हमेशा जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो 80-90% पुराने पेपर्स में से ही आता है। 5-10% पेपर नया आता है, लेकिन उस 5-10% पेपर को पढ़ने के लिए, उन सवालों को सही करने के लिए, यदि आप 80% पेपर गलत करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी फोकस रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड रखनी पड़ेगी, अपने माइंड को ट्रेन रखना पड़ेगा, उसको स्ट्रेस झेलने के लिए, स्ट्रेस को बियर करने के लिए उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर चीज के लिए आपको ये बहुत जरूरी होगा, यानी अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं विदाउट एनी गैप, देन डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा रहती है, फोकस माइंड रहता है, डाइवर्ट नहीं होता,
यदि आप बीच में कोई पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते हैं या और किसी काम में डाइवर्ट नहीं होते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। और फोकस्ड माइंड से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप 2 घंटे के अंदर भी 4 घंटे की या 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा घंटे मैटर नहीं करता, बट हमेशा ये जरूर मैटर करता है कि आपने जितने घंटे पढ़ाई करी है वो फोकस माइंड से करी हो। यदि आपका फोकस स्पैन 2 घंटे का, तो आप एक साथ 2 घंटे ही पढ़ाई करिए, फिर उसमें आप 1/2 घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, फिर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसे ब्रेक्स में भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारा टाइम का, जो हमारे ब्रेन का अटेंशन फोकस है, वो 25 मिनट से 30 मिनट का ही होता है। अब आप 25-30 मिनट पढ़ाई करके उसमें 5-7 मिनट का ब्रेक लेकर फिर 25-30 मिनट पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना थोड़ा शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। और अर्ली मॉर्निंग में जो पढ़ाई होती है, आई थिंक कि वो आफ्टरनून में नहीं हो पाती, और आफ्टरनून के बाद आप शाम को फिर से पढ़ाई में लग सकते हैं। और अगर आप नाइट आउल हैं और आपको नाइट में पढ़ाई अच्छी होती है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इट इज ऑल योर कम्फर्ट जोन, वेयर यू आर कम्फर्ट। जब हमने हमारा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था, हम करीब 18 घंटे पढ़ते थे। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ते थे, 7 बजे तक पढ़ते थे, 7 बजे के बाद हम चाय पीना और 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेना, फिर हम 7:30 से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक फिर 2 घंटे का एक सेशन निकालते थे, 9:30 बजे के बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था 1/2 घंटे का, और फिर 10 बजे से हम 12 बजे तक फिर पढ़ते थे। तो हम 2-2 घंटे के स्पैन में पढ़ते थे। 12 बजे के बाद या 12:30 तक पढ़कर हम फिर हमारा शावर लेना और रूटीन काम करना करके 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते थे। उसी के साथ हम लंच करते थे, लंच करने के बाद हम 1/2-1.5 घंटा रेस्ट करते थे। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा शिफ्ट चालू होता था, हम 3 बजे से वापस पढ़ना शुरू करते थे, 3 से 5 फिर पढ़ते थे, 5 बजे फिर ब्रेक लेते थे 1/2 घंटे का, फिर हम 6 से 8 बजे तक फिर पढ़ते थे, और फिर 8:30 से 8:30 बजे तक हम डिनर करते थे, और 9 बजे के बाद हम 11 बजे तक एक ब्रेक लेते थे। 11 बजे के बाद 1/2 घंटा ब्रेक लेने के बाद रात को करीब 1:30 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, 2 से 7 बजे तक या 5 बजे तक, जो भी हमें सूट होता था। 11 से 5 सो सकते थे या 2 से 7 सो सकते थे, जो हमारा शेड्यूल बैठता था हम उस हिसाब से बीच के 5-6 घंटे सोने के लिए निकालते थे। तो दिस वॉज हमारा कंसिस्टेंट शेड्यूल फॉर द 1 ईयर। तो हमारा पूरा फोकस था हमारी पढ़ाई के ऊपर, और उस फोकस में सबसे इम्पोर्टेंट था कि सिर्फ पास्ट पेपर्स को एक्सपर्टाइज करना, यानी कि पास्ट पेपर में आपके किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम टू सक्सीड इन द नीट यूजी और नीट पीजी एग्जाम। आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप भी अपना नाम टॉपर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, और जिन्होंने इस साल टॉप किया है या आगे टॉप किया है, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई हो। और आपका जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाया है, उनको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई 4 बार में सक्सेस मिलती है, किसी को 3 बार में, किसी को 5 बार में, तो कोशिश करना हमारा कर्म है, वो करते रहना है। लेकिन फोकस रहना और अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने से आप रिजल्ट को अच्छा क्रैक कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे रैंक से आप पास होकर अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं।